प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज पश्चिमी यूपी में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पीएम मोदी शिलान्यास के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद पीएम मोदी का आज पहला यूपी दौरा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा। पश्चिमी यूपी के लोगों का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास की घड़ी अब नजदीक आ गई है। 25 नवंबर यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना काफी पहले देखा गया था वो अब पूरा होने जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप तैयारियां देख सकते हैं, किस युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसका निर्माण और रखरखाव स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी करेगी। इसे बनाने में 29,560 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम 2 चरणों में होगा। कोशिश है कि पहले चरण का काम 36 महीनों में पूरा हो जाएगा और एयरपोर्ट से वर्ष 2024 में उड़ान शुरू हो जाए। इस एयरपोर्ट के बनने से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद के लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। हवाई अड्डे के पहले चरण में सालाना 1,20,00,000 यात्रियों को इस एयरपोर्ट का फायदा होगा। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए जेवर में बड़ी तैयारियां हो रही हैं। एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां एक जनसभा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे इसलिए सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण कंसर्न रखता है। आप यहां पर देखिए काम भी चल रहा है, दूसरा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। बीजेपी का दावा है कि जेवर में पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी रैली होगी जिसमें 2,50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। राजू राज, जी मीडिया, जेवर, ग्रेटर नोएडा। और अब आपको बताते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दिल्ली एनसीआर में 70 किलोमीटर की रेंज में 3 एयरपोर्ट हो जाएंगे। 29,650 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। 6,200 हेक्टेयर जमीन पर इसका निर्माण हो रहा है। 2024 के सितंबर में यहां से पहली उड़ान रवाना होगी। 178 विमान एक साथ यहां पर खड़े हो पाएंगे। यहां 5 रनवे बनाए जा रहे हैं, 2 टर्मिनल बनेंगे। और जेवर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की जनसभा के लिए तैयारियां कैसी हैं, देखिए जेवर से ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश आज से नई उड़ान भरने को तैयार है। आज होगा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। हम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर एक शानदार मंच बनाया गया है जिस पर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकर यहां से बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मंच की विशेषता हम आपको बताते हैं, तकरीबन 12 फुट ये ऊंचा मंच बनाया गया है और 1200 स्क्वायर फुट में ये पूरा मंच तैयार हुआ है। 20 टन फूलों से इसे सजाया गया है। सबसे बड़ी बात है
कि यहां पर लाखों लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है, कुर्सियां रखी गई हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी जनसभा है ये, यानी लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है जेवर एयरपोर्ट के रूप में। और इस एयरपोर्ट की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं, शिलान्यास भूमि पूजन आज हो जाएगा और आज से काम वायु गति की रफ्तार से शुरू हो जाएगा, यानी जल्द ही उड़ान यहां से जो प्लेन है वो भर सकेंगे। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, आज कहीं ना कहीं उस ड्रीम प्रोजेक्ट को साफ तौर पर पंख लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मेरे साथ जेवर से जुड़ गए हैं। रविंद्र, कितने बजे प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने का कार्यक्रम है और ये एयरपोर्ट जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, ये क्यों इतना खास? देखिए, प्रधानमंत्री 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पहुँचेंगे, भूमि पूजन होगा, शिला, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे जैसे आपने भी दिखाया। लेकिन विशाल, सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले मेरठ एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था और उसकी उस एक्सप्रेसवे पर बीजेपी की सियासी रफ्तार ऐसी हुई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 70 से ज़्यादा विधानसभा सीटों में से लगभग 50 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आई थी और 2019 के लोकसभा में 19 से ज़्यादा लोकसभा सीटों में से 16 करीब बीजेपी के खाते में आई थी। माना जा रहा है, बीजेपी नेताओं का यही दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर जो एयरपोर्ट है, जिसकी विशेषता आपने दर्शकों को दिखाई भी, चौथा विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और कई खूबियों से है, जिससे कि जो IGI है उसका उस पर भी बोझ कम होगा, इससे कई जिले इससे संबंधित होंगे, यहाँ रोजगार, लाखों की रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तरह तरह की बात होगी, इसमें खूबियाँ होंगी, 2024 तक पूरा हो जाएगा, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हम इसको अगले कार्यकाल से पहले पूरा कर देंगे और 1 करोड़ से ज़्यादा इस पर यात्री सफ़र करेंगे। ये कई खूबियों से विशेषता है, लेकिन सियासी मायने अगर देखा जाए तो बीजेपी ये दिखाने की जरूर कोशिश करेगी आगे आने वाले दिनों में कि पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसके बाद आपने मेरठ और अब जेवर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का आज भूमि पूजन शिलान्यास हो रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी भी हैं, तो एक संदेश होगा विकास और ये होगा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार और इसी तरह से उड़ान भरती है, और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे आज अपनी जनसभा में। एक खास बात और है, कल ही आपने देखा कि तीनों कृषि बिल जो प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को वायदा किया था उसको कैबिनेट ने हरी झंडी दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है कि जो किसान आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, उससे बीजेपी को एक बड़ी परेशानी भी हो रही थी। अब उस बिल की वापसी के बाद कैबिनेट से प्रधानमंत्री की ये बड़ी रैली हो रही है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि लाखों लोग इसमें आएंगे, लेकिन इसका असर कितना होगा, क्योंकि पार्टी का मानना है कि जो नाराजगी थी वो धीरे धीरे कम होगी। अब प्रधानमंत्री पर अभी भी लोगों का विश्वास है और आज की जब रैली होगी, अगर सफल रैली होती है तो विकास और उस सियासी जो संदेश होगा, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत सुकून होगा कि इस एयरपोर्ट के जरिए ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय हो या दूसरे समुदाय जो नाराज हैं उनको अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश की जाएगी। तो इसका इस आज के जो शिलान्यास है विकास को भी दिखाएगा और सियासी मतलब भी कहीं ना कहीं इसके बहुत मायने रखते हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पश्चिमी यूपी में अब तक जो नुकसान होता बीजेपी को नजर आ रहा था किसान आंदोलन की वजह से, अब इस एयरपोर्ट के आने की वजह से इसके आसपास के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, इससे क्या कुछ नाराजगी कम होने में फायदा मिल पाएगा? देखिए, ये पूरा एरिया आपने देखे, कृषि क्षेत्र भी होता है और इसमें औद्योगिक विकास भी लगातार होते जा रहा है, इस पूरे अगर देखा जाए तो बेल्ट में, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो या फिर गाजियाबाद हो या इससे आसपास के जितने अलीगढ़ वगैरह एरिया है, अब रोजगार का अवसर जाहिर सी बात है जब एयरपोर्ट यहाँ बनेंगे, इसके अलावा जो फिल्म सिटी बनने वाले हैं, जो कई तरह के एयरो सिटी भी बनने वाले हैं, जिस तरह की घोषणा लगातार मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं, तो इसका जरूर कहीं ना कहीं फायदा इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के जो 8-9 जिले हैं, एटा हो, इटावा हो, अलीगढ़ हो या गौतम बुद्ध नगर हो या फिर गाजियाबाद हो, इस जितने क्षेत्र हैं लोग हैं उन्हीं को रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे, चाहे उनके जो बच्चे हैं इसमें कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता होगी इस विकास की धारा में बहने के लिए। तो जाहिर सी बात है अब जो नाराजगी थी, धीरे धीरे जैसे जैसे इस गति बढ़ेगा, जिसमें जैसे जैसे काम बढ़ेगा इस एयरपोर्ट का,
लोगों को रोजगार के अवसर जैसे प्राप्त होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी कम होगी और उनको लगेगा कि जो जो हम बीजेपी से नाराजगी थी हमारे किसान आंदोलन को लेकर कृषि को लेकर, कहीं ना कहीं जब बिल की वापसी हो गई है और हमें रोजगार भी मिल रहा है तो नाराजगी किस बात की, तो जाहिर सी बात है इससे रोजगार के जब बड़ी संख्या में अवसर प्राप्त होंगे तो इसका फायदा इस क्षेत्र के लोग भी उठाएंगे, सभी समुदाय के लोग उठाएंगे और बीजेपी को लगता है कि 2019 के लोग 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें इससे हम सियासी जो रफ्तार है उसे और तेज करेंगे, जैसा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मेरठ एक्सप्रेसवे ने बीजेपी को गति दिया था। शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। जेवर एयरपोर्ट के लिए पीएम मोदी जेवर आ रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से दो खास बातें जुड़ी हुई हैं, एक तो ये कि जल्द ही यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और दूसरी ये कि तीन कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद पीएम मोदी का यह पहला यूपी दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राजनीतिक गठबंधन का खेल शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। विकास के रथ पर सवार होकर पीएम मोदी इस मंच से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खुशहाली का संदेश देंगे। इस प्रस्तावित एयरपोर्ट की अहमियत आप इसी बात से समझिए कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर के इस छोटे से गांव के आसपास जमीन के भाव आज आसमान छू रहे हैं। ये निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं और अगले 5-6 सालों में अनुमान है कि करीब 1,00,000 करोड़ और का निवेश इस क्षेत्र में आएगा। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले बीजेपी ने इलाके के सियासी समीकरण को साधने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। तीनों कृषि कानून वापस होंगे और पीएम मोदी अन्नदाताओं से माफी भी मांग चुके हैं। तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज पहली बार पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। किसानों की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट के शिलान्यास से पीएम मोदी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं और अन्नदाताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। चुनौती ये भरोसा दिलाने की भी होगी कि अन्नदाताओं के हितों से सरकार किसी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 1,00,000 करोड़ का निवेश यहां पर आएगा और सबसे बड़ी बात यह कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद पहला दौरा यूपी का प्रधानमंत्री का। इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पर कैसा असर होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए विशाल, बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ था जब से किसान आंदोलन चल रहा था और उसके बावजूद देखिए कि आपने कल आपने देखा कि जयंत और अखिलेश यादव के दोनों ने हाथ मिलाए हुए हैं और ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि जो जाट समुदाय है भले ही उनकी संख्या कम हो लेकिन वो काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं इस पूरे क्षेत्र में। अब ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि अगर कुछ ऐसा किसान बिल को वापसी न हो और इस तरह के कुछ बड़ी ऐलान न हो तो उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुराना जो उनका रिकॉर्ड है 2017 का उसे बचाए रखना काफ़ी मुश्किल होगा। और हालांकि बीजेपी का मानना था कि जो 2017 से पहले होता था यहाँ पर कई तरह के सांप्रदायिक दंगे होते थे, कई तरह के विवाद होते थे, आपने कैराना का देखा कि पलायन भी हो रहे थे, वो सब रुक गया था और एक संदेश गया था कि बीजेपी सरकार उनकी सुरक्षा देने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन किसान आंदोलन के चलते उस समुदाय में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था 2017 से पहले वो नाराजगी थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का मानना था कि जहाँ पर लोक दल के उम्मीदवार होगा वहाँ पर जाट समुदाय और दूसरे समुदाय बीजेपी के खाते में आएगी, लेकिन जहाँ नहीं वोट देगी लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा बीजेपी के खाते में वो पूरे समुदाय का वोट आएगा 2017 से पहले का रिकॉर्ड देखते हुए जो यहाँ पर हिंसा होती थी। लेकिन पूरे जिस तरह से 50 से ज़्यादा विधायकों का आंकड़ा था बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इसमें काफ़ी सेंध लग जाती जयंत और अखिलेश द्वारा, इसलिए कहा जा सकता है कि किसान बिल की वापसी और जेवर एयरपोर्ट का महाशिलान्यास और जो बड़ी रैली होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको संबोधित जब करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरी नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूर करने की भरसक कोशिश होगी और एक खास वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए, खास अगर देखा जाए तो जाति समुदाय को भी अपने पाले में लाने में ये रैली और ये जेवर एयरपोर्ट काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है आने वाले दिनों में।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। तो देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश की बात करें तो पांचवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2024 में इसका पहला फेज पूरा होगा और एक बड़ी जनसभा जिसे प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। एयर कनेक्टिविटी की सौगात नोएडा को मिलने जा रही है, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास आज होगा और इसका असर क्या होगा ये बताया हमारे सहयोगी रविंद्र ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.